हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक दोस्तों और आप देख रहे हैं आई सेकंड जी। और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे एनएमए आईटी और बीएमएस आईटीएम के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को भी लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस कॉर में। तो यहाँ पे एन एम आई टी कैंपस कॉर में बात किया तो आपको ये कॉलेज जो है 2001 में बना था और इसका कैंपस 23 एकड़ से फैला हुआ और ये आपको बैंगलोर में सिचुएटेड है। बी एम एस आई टी एम के बारे में बात किया तो आपको ये कैंपस 2002 में बना था, इसका कैंपस 25 एकड़ से फैला हुआ और ये भी आपको बैंगलोर में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर कैंपस के बारे में बात किया जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट यहाँ पे 2 acres ज़्यादा बड़ा कैंपस है यहाँ पे बी एम एस आई टी एम का। तो यहाँ पे स्लाइटली पॉइंट मतलब पॉइंट मिलेगा यहाँ पे बी एम एस आई टी एम को। चलिए कुछ पिक्चर्स देख लीजिए दोनों कॉलेजेस को। तो यहाँ पे एन एम आई टी का ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ और पिक्चर्स हो गए और यहाँ पे आपको बी एम एस आई टी एम का पिक्चर्स है। ये जो ये तो मैंने पिक्चर्स लगा दिए यहाँ पे और इसके अलावा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या फिर इनके वेबसाइट पे जाके वर्चुअल टूर ले सकते हैं। देखिए बात करते हैं रैंकिंग के बारे में, एनआरएफ रैंकिंग। तो एनआरएफ रैंकिंग एनएमआईटी को 2021 में 168 मिली है और बीएमएस आईटीएम को 152 मिली है। तो रैंकिंग में ज्यादा आगे निकल रहा है एनएमआईटी, ठीक है। बीएमएस आईटीएम 152, मतलब देखिए यहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग मतलब ये होता है कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, तो उनको एनआरएफ रैंकिंग मिलती है। तो उसमें से लगभग अभी जो है वो 300 कॉलेजेस हैं एनआरएफ रैंकिंग के अंदर में, उसमें 168 रैंकिंग पे एनएमआईटी को रखी गई है और बीएमएस आईटीएम को 152 पे रखी गई है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रैंकिंग है बीएमएस आईटीएम को। तो यहाँ पे पॉइंट, सॉरी मैंने बोल दिया एनएमआईटी को पॉइंट, बट यहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा बीएमएस आईटीएम को क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा ऊपर रैंकिंग में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि दोनों कॉलेज में किस क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। तो एनएमआईटी की बात करें तो 12 पास होना चाहिए, बीएमएस आईटीएम में भी सेम है 12 पास होना चाहिए 45% एग्रीगेट मार्क्स के साथ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। मतलब एग्रीगेट मार्क्स होता है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपको जितना मार्क्स आए दोनों तीनों कैलकुलेट करके 300 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आपको जो परसेंटेज आएगा वो आपको 45% मिनिमम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हैं दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अगर आप कर्नाटक के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, उसमें 40% एग्रीगेट मार्क्स सही होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए मैं 45% एग्रीगेट मार्क्स में बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बात की जाए एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पे आपको दोनों कॉलेज में कमेटी के केसीट या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन एंट्रेंस गेट है यहाँ पे कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे कमेटी के केसीट या फिर मैनेजमेंट कोटा के तीनों में से कोई भी गेटवे के थ्रू आप जा सकते हैं इन दोनों कॉलेज में। अगर कमेटी के केसीट के थ्रू नहीं मिला तो आप मैनेजमेंट कोटा मतलब डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ गेट कॉलेज एडमिशन के बारे में, आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे और आपको ये ट्रस्टेड फर्म है तो आप इनसे एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको इंडिया के या फिर बैंगलोर में किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हैं, आपके प्रेफर्ड ब्रांच प्रेफर्ड कॉलेज जो चाहते हैं उसमें, और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे। तो इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए वेट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं, वहाँ पर मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम कट ऑफ बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले केसीटी के बारे में बात करेंगे कट ऑफ का, तो ये मैं क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो कंप्यूटर साइंस का एनएमआईटी क्लोज हुआ 6018 पे, आईएससी क्लोज हुआ था 8398 पे, ईसीए क्लोज हुआ था 12387 पे। बीएमएस आईटीएम की बात की जाएगा तो केसीटी क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस का 4199 पे और आईएससी क्लोज हुआ था 6729 पे, ईसीए क्लोज हुआ था 10454 पे। तो ये आपको हो गया केसीटी कट ऑफ। कॉम्पिटेटिव कट ऑफ की बात की जाए तो एनएमआईटी का जो लास्ट ईयर 2020 में एक्सक्लूसिव राउंड हुआ था तो उसका कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 8674 पे, आईएससी क्लोज हुआ था 11680 पे और ईसीए क्लोज हुआ था 34242 पे। बी एम एस आई टी एम के बारे में बात की जाए तो बी एम एस आई टी एम में कंप्यूटर साइंस का कटऑफ क्लोज हुआ था 2624 पे, आई एस सी क्लोज हुआ था 8731 पे और ई सी ए क्लोज हुआ था 41494। तो देख सकते हैं कटऑफ में कितना डिफरेंस है। अगर आप बात की जाए बी एम एस आई टी एम का तो उसमें आपको एडमिशन के लिए ऊपर अच्छा कटऑफ अच्छा रैंक होना चाहिए और अंडर 2000 होना चाहिए ताकि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो यहाँ पे जो है बी एम एस आई टी एम का बहुत ऊपर तक ही कटऑफ क्लोज हो जाता है और एन एम आई टी का थोड़ा नीचे तक जाता है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कितना आपका रैंक है तो उस हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा। वैसे मैंने एक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कटऑफ वाला वीडियो बना दिया तो उसको जाके देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा।
अगर बात करें एकेडमिक फी के बारे में, तो यहाँ पे एनएमआईटी के बात में जाएगा तो इस ईयर जो है कमेटी के थ्रू जो फी यहाँ पे डिसाइड किया गया है, बताया गया है, वो है आपको 2,21,960 रुपीज पर ईयर। ये आपको एकेडमिक फी हुआ, मतलब इसमें सारे एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो लगेगा वो सिर्फ आपको हॉस्टल फी लगेगा। अब इसके बीएमएस आईटी में बात किया तो सेम 2,21,960 रुपीज है। और भी सारे देखिए ब्रांच पे डिपेंड करता है, ये जो मैंने दिया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है, और जो ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, वैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और इसी का तो सेम होता है, बट नीचे जो कोर ब्रांचेस हैं उनके थोड़े कम होते हैं, तो जो भी अदर ब्रांचेस कोर ब्रांचेस होंगे वो थोड़े कम उनका फी होगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, चार साल का हमारा कितना एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों कॉलेज में, आपको 4 साल का एकेडमिक फी आ जाएगा। तो दोनों का मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि 4 साल का टोटल कितना फी लगने वाला है आपको। तो ये आपको आता है 8,87,840 रुपीज, ठीक है। तो दोनों का सेम आएगा आपको 8,87,840 रुपीस। तो ये आपको एकेडमिक फी हो गया 4 साल का एनएमआईटी और बीएमएस आईटीएम का, जो कि 8,87,840 रुपीस। तो ये आपको हो गया 4 साल का एक्सपेंडिचर एकेडमिक फी। इसके अलावा जो आपको लगे वो अकोमोडेशन फी लगे, मतलब हॉस्टल एंड मेस फी। तो आपको एनएमआईटी का 70,000 है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आ जाएगा 2.8 लाख रुपीज आपको आ जाएगा 4 साल का अकोमोडेशन फी। और जो आपको बीएमएस आईटीएम है उसका आपको 1.5 लाख पर नाम है, तो आपको ये 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको लगभग आता है 6 लाख, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पे अकोमोडेशन फी में एज कम्पेयर टू एनएमआईटी। बीएमएस आईटीएम का आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन फी, जो कि है 6 लाख। और बात कीजिएगा एनएमआईटी का, तो 4 साल में आपको लगने वाला है 2.8 लाख एनएमआईटी का, ठीक है, अकोमोडेशन फी। अब देखिए दोनों हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे अकेडमिक फी और अकोमोडेशन फी दोनों मिला कितना आता है। तो अगर बात कीजिए एनएमआईटी का, तो 8 लाख प्लस 2 लाख लगभग यहाँ पे आपको 12 लाख के करीब में आएगा। 8.8 लाख प्लस 2.8 लाख यहाँ पे आपको लगभग से लगभग 11 से लेकर 12 लाख के बीच में आएगा। वही अगर बात कीजिएगा बीएमएस आईटीएम का, तो 8 लाख प्लस 6 लाख अगर आप बात कीजिएगा, ये आपको 14.8 मतलब 15 लाख के करीब में आपको खर्च आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 3 लाख का डिफरेंस है। तो सबसे जो 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 चीपेस्ट है वो आपको पड़ेगा एनएमआईटी में। तो यहाँ पे मैं पॉइंट देना चाहूंगा एनएमआईटी, जो कि ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा चीपेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 साल का मैंने एक्सपेंडिचर बता दिया, इंक्लूडिंग एकेडमिक फी और मेस फी और हॉस्टल फी, मतलब अकोमोडेशन फी। तो आपको ये 4 साल का एक्सपेंडिचर दोनों कॉलेज में लगभग लगने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको आइडिया मिल गया कि दोनों में कितना लगने वाला है, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए अफोर्डेबल है और किस में आप एडमिशन ले सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट बारे में बात की जाए तो एनएमआईटी का प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रॉक्सिमेटली 90% रहता है, मतलब जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए उसमें से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। बीएमएस आईटी में बात की जाए तो 80.71% बच्चे प्लेस्ड होते हैं लगभग। और एवरेज पैकेज हो गया था एनएमआईटी का लास्ट ईयर, मतलब 2020 में, 2020-2021 बैच जो कि रिसेंट ईयर पास हुआ है, उनका 4.8 लाख पर नाम रहा था। और हाईएस्ट पैकेज इसमें देखिए एनएमआईटी में दोनों तरह के प्लेसमेंट होते हैं, एक नेशनल और एक ग्लोबल, मतलब फॉरेन कंट्रीज में। तो अगर बात की जाएगा हाईएस्ट पैकेज नेशनल में, मतलब इंडिया में जो जो बच्चे प्लेस्ड हुए उसमें से हाईएस्ट पैकेज जो लगा वो 30 लाख पर नाम का लगा, और जो बच्चे फॉरेन में प्लेस्ड हुए ग्लोबल प्लेस्ड हुए उनका हाईएस्ट पैकेज गया 24 लाख पर नाम। वहीं बीएमएस आईटीएम में बात की जाएगा तो ये आपको सिर्फ इंडिया में प्लेसमेंट देती है ये कॉलेज, तो उनका एवरेज पैकेज जो रहा था वो 6.62 लाख पर नाम रहा था, और हाईएस्ट पैकेज रहा था 26.5 लाख पर नाम। तो हाईएस्ट पैकेज भले कम है बीएमएस आईटीएम, बट एवरेज पैकेज में ज्यादा अच्छा बीएमएस आईटीएम का ही है, जो कि 6.62 लाख पर नाम है। तो लगभग से 2 लाख का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ज्यादा दिख रहा है ज्यादा आगे निकलते हुए बीएमएस आईटीएम, बट स्टिल अभी हम लोग बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं फाइनल पॉइंट दूंगा प्लेसमेंट में इन दोनों कॉलेज में से। तो एनएमआईटी का बात किया तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स मैंने दिखाया कि 875 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, 100 प्लस कंपनी से विजिट किया, जिसमें से 901 ऑफर मिले, ठीक है। स्टार मतलब कि प्लेसमेंट चल रहा था तब का ये डेटा है, उसके बाद और भी प्लेसमेंट ऑफर्स आए थे। 20 प्लस इंटरनेशनल ऑफर्स थे, मतलब 20 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल ऑफर्स थे, 900 प्लेसमेंट ऑफर्स इंडिया के थे, और बाकी जो 20 प्लस एक्स्ट्रा जो ऑफर्स थे वो आपको इंटरनेशनल ऑफर्स थे। और हाईएस्ट मतलब ग्लोबल में गया 24 लाख पर नाम,
और नेशनल में रहा 30 लाख पर एनम, एवरेज रहा 4.8 लाख पर एनम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर वाइज प्लेसमेंट दिखाया गया है। तो आईटी एंड टेक सपोर्ट में सबसे ज़्यादा 34%, ग्लोबल हायरिंग में 11%, कोर कंपनीज जो है 22% बच्चों को ले गई और एस एंड एम में 13%, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 20%। सबसे ज़्यादा जो लगता है वो आईटी एंड टेक, मतलब देखिए बैंगलोर में जितने भी मोस्टली कॉलेजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है वो आपको आईटी एंड टेक का होता है। अब बात की जाए यहाँ पर दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड और नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स, तो ईयर वाइज दिया गया है 2019-2020 का बात किया जाएगा तो आपको ब्लू में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है और येलो में नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स। तो 876 बच्चे ने रजिस्टर किया 2019-2020 में और यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर जो मिला वो 955 प्लेसमेंट ऑफर मिला 2019-2020 में। ये दिया गया है आपको कि कितना से कितना पैकेज जो है 10-30 लाख पर एनम, 5-10 लाख पर एनम, वैसे ही और भी सारे पैकेजेस हैं उसमें कितने बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ और जितना ऑफर मिला उसमें से। तो देखिए यहाँ पे 10-30 लाख पर एनम जो बच्चे का लगा वो 28 बच्चों का लगा यहाँ पे प्लेसमेंट, और 5-10 लाख पर एनम 55 जो सबसे ज्यादा लगा वो 3-4 लाख पर एनम के बीच में जो पैकेज रहा उसमें लगा 490 बच्चों का, उसके बाद 4-5 लाख के बीच में लगा 347 बच्चों का। अब आगे हम बढ़ते हैं बीएमएस आईटीएम के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टोटल कंपनीज विजिट किए 120 और हाई सीटीसी मिला वो 26.5 और एवरेज रहा 6.62 लाख, और नंबर ऑफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड यूजी स्टूडेंट 510 और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए 410 और 80.71% जो है वो प्लेसमेंट परसेंटेज रहा। देखिए अब यहाँ पे तो ये मैंने डेटा दिखा दिया, कुछ और डेटा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया कि नंबर ऑफ ऑफर्स मेड और नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड ईयर वाइज, तो 2021 अगर बात की जाए तो यहाँ पे 595 ऑफर्स बने और 120 कंपनीज आए, और ये आपको दिया गया है बैच वाइज यहाँ पे हाई सीटीसी लोएस्ट और एवरेज। तो सबसे रिसेंट जो इस ईयर का है वो 26.5 और लोएस्ट रहा 3 लाख और हाई एवरेज रहा 6.52। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया ब्रांच वाइज, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 157 ऑफर्स बने सबसे ज़्यादा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 127, ठीक है। सबसे कम जो बना आपको बना यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किसी कोई भी कॉलेज में बैंगलोर के कोर ब्रांचेस में जो प्लेसमेंट अच्छे नहीं होते, इसलिए दिस इज द मेन रीजन वाई मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको बैंगलोर में टेक ब्रांचेस में ही एडमिशन लेना चाहिए। मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो आप कोर ब्रांचेस ले सकते हैं, वरना आपको प्लेसमेंट अगर आपको फोकस है कैंपस प्लेसमेंट तो आपके लिए टेक ब्रांचेस ही सही रहेगा बैंगलोर में, ठीक है। ये सारे कंपनी जो है वेट करते हैं यहाँ पे बीएमएस आईटीएम में, तो इसको वीडियो पॉज करके आप ये सारे कंपनी को दे सकते हैं, कौन कौन से कंपनी आते हैं, मेन कंपनी अमेजन माइक्रोसॉफ्ट ये सब विप्रो ये सब सारे कंपनी आते हैं। तो ये मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की और बात करी। अब मैं पॉइंट देना चाहूंगा यहाँ पे कि इन दोनों में से कौन सा कॉलेज को मैं पॉइंट दूंगा प्लेसमेंट में, तो मैं यहाँ पॉइंट देना चाहूंगा बीएमएस आईटीएम को। बट एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फोकस है कि मुझे ग्लोबल प्लेसमेंट चाहिए, कि ऐसा कॉलेज में जाऊं जहां मुझे ग्लोबल प्लेसमेंट का भी ऑफर मिले, तो वहां पे आपको चुनना पड़ेगा एनएमआईटी को। बट यहां पे अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, एवरेज पैकेज आपको ये मैटर नहीं करता है कि आपको इंडिया में मिले या फिर फॉरेन में मिले, आपको इंडिया में चाहिए, तो आपको मैं बोलूंगा बीएमएस आईटीएम। सो मैं यहां पे फाइनल पॉइंट देना चाहूंगा बीएमएस आईटीएम को प्लेसमेंट में, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो अगर आप मुझसे पूछे कि इन दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज ज्यादा वर्थ इट होगा, कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो देखिए एक तरफ फी और एक तरफ हम प्लेसमेंट ध्यान देंगे। तो फी के बारे में बात किया तो फी आपको ज्यादा चीप है एनएमआईटी में, बट प्लेसमेंट जो ज्यादा अच्छा है आपको बीएमएस आईटीएम में। बट अगर मेरे से पूछेगा तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा इन्वेस्ट करके ज्यादा अच्छा कॉलेज जाना बेहतर होता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा बीएमएस आईटीएम विल बी बेटर फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बट आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कितना बजट है, अगर आपको थोड़ा कम बजट है तो आपके लिए एनएमआईटी ठीक है, मतलब वो ज्यादा खराब कॉलेज नहीं है, बट एज कम्पेयर टू एनएमआईटी बीएमएस आईटीएम विल बी मच बेटर, ठीक है। सो दिस विल बी माई ओपिनियन अबाउट दिस टू कॉलेजेस कि इन दोनों कॉलेज में कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो ये था हमारा कंपेरिजन एनएमआईटी और बीएमएस आईटीएम के बीच में। अगर आपको और भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, अगर आपको कोई भी और कॉलेज का कंपेरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टा डीएम कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।